शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो। अरे भाई साहब, अपने पैसे तो लेते जाइए। 230 रुपए हुए हैं। तुम्हारे चक्कर में दिमाग में ही नहीं रहता कितने पैसे बचे कितने नहीं। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। मैडम, आप बाहर नहीं जा सकते। मैडम, आपने जो भी नोट दिए वो सारे के सारे नकली हैं। नकली नोट? ये एक्सीडेंट तुम्हारी आंखों के सामने? नहीं सर, जब मैं यहाँ पे आया तो इस औरत की लाश बीच रोड पे पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता इसका एक्सीडेंट कब हुआ। कोई और यहाँ पे था जब तुम यहाँ पे आए? सर, दूर दूर तक कोई भी नहीं था यहाँ पे। सर आप रेडी? हाँ बेटे, ये जो कांच के टुकड़े दिख रहे हैं ये उसी गाड़ी के होंगे सर जिसका एक्सीडेंट हुआ। कांच का टुकड़ा इसी गाड़ी के हेडलाइट का लगता है। लाश के पास पड़ा हुआ है, लगता है ये लड़की गाड़ी के हेडलाइट से टकराई है। अगर ये लड़की किसी गाड़ी के हेडलाइट से टकराई है तो गाड़ी काफी बड़ी होगी, इसकी हेडलाइट काफी ऊंचाई पे है, जो इस लड़की के चेहरे के बराबर सामने आ गई। अरे शायद कोई ट्रक वगैरह होगा। रेडी, ये ट्रक ही है। ये क्या? ड्राइवर ने ब्रेक मारने की कोशिश की होगी पर शायद कंट्रोल ही नहीं था। सर, ये औरत यहाँ सुनसान सड़क पे करके रही होगी। यहाँ पे क्या कर रही थी तो कब मालूम पड़ेगा जब हमें ये पता चले कि औरत है। चलिए, उस ट्रक की हेडलाइट टूट गई है और टूटी हुई हेडलाइट लेते हुए कोई शिफ्ट हो नहीं सकता है। कहीं ना तो कहीं इसने रिपेयर करवाई होगी। हाँ सर, काम करो, इस लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दो, इस आदमी का नाम और टेलीफोन नंबर ले लो। प्रेस वाले नोट्स ले, सारी दुनिया हंसेगी सीआईडी पर। विश्वास? विश्वास नहीं होता कोई मिला अपना एक ऑफिसर ऐसा काम कर सकता? नकली नोटों का धंधा कर सकता? नकली नोटों का
ताशा। अगर ये सच निकला ना तो याद रखना ताशा, मैं खुद तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगा, खुद। सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ, बुलाया। माला पहनानी है तुम्हें, सत्कार करना है तुम्हारा। क्या ये? क्या ये? मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मुझे माफ कर दीजिए। एक CID ऑफिसर होके तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया CID की इज्जत का? तुम एक ऑफिसर हो। सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सब कुछ मालूम है तुम्हें, सब कुछ मालूम है। तुम बताना नहीं चाहती। जेल की हवा खाओ तुम्हें, तबक्कल ठिकाने पर आएगी। ये नकली नोटों का धंधा मतलब जहर है जहर, बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। मैंने गुनाह किया है सर, आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए। सजा तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी, पर चाहे तुम चाहे कहो या ना कहो, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से इसी वक्त, और अपनी गिरफ्तारी बचाने की कोशिश करो। गेट आउट। गेट आउट। ताशा के पास नकली नोट आए कहां से? किसने दिए होंगे? कौन कौन हो सकता है? अरे ओ भाई लंबन, अरे तू दिन भर इसी गाड़ी में घुसा रहेगा तो और गाड़ियों का क्या होगा? हा? अरे सेठ, इसमें बहुत काम है। खोलने के बाद देखा तो इसमें बहुत कुछ टूटा फूटा निकला, दिमाग खराब हो गया, काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे होता है होता है, किसी किसी गाड़ी में ज्यादा काम निकलता है। चल जल्दी कर, ठीक कर फटाफट। वैसे सर हमें भी थोड़ा ज्ञान तो मिल रहा। क्या हुआ साहब? हम लोग CID से। CID? लेकिन साहब यहाँ तो कोई चोरी वोरी की गाड़ी आई नहीं। नहीं, चक्कर कुछ और है, हम एक एक्सीडेंट वाले ट्रक को ढूंढ रहे हैं। एक्सीडेंट? हाँ, इसके सामने का शायद हेडलाइट टूटी हुई है या फिर फेंडर वगैरह का कोई डेंट वगैरह आया होगा। आया ऐसा कोई ट्रक यहाँ पे? कोई मर गया सर। हाँ, एक औरत। हाँ सर, एक गाड़ी आई हुई और उसका ड्राइवर भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, शायद वही गाड़ी तो नहीं। ड्राइवर है यहाँ पे? अभी अभी यहीं पर था, शायद कहीं गया होगा। और ये ट्रक कहाँ पर है? वो रहा सर, हेडलाइट टूटी हुई है, यही ट्रक है। ये देखो, खून लगा हुआ है, खून साफ करने की कोशिश भी की है। कहाँ गया ये साहब? लंबन, ड्राइवर कहाँ गया? सेठ, नाचे तक गया पान खाने के लिए। नाचे पे गया पान खाने? We'll be right back.
आप यहाँ? हाँ यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काजल के घर? सर मैं तो बस क्या? काजल से मिलने आई थी। मिलने आई थी? अच्छा, पर तुमने कहा था कि काजल यहाँ पर नहीं, वो जयपुर गई है शादी के लिए। क्यों? हाँ सर, वो तो जयपुर ही गई है सर। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या छुपा रहे हो मुझे? सर मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं उसे फोन कर रही थी, लेकिन उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके घर आके देख लूं कि वो घर पर है कि नहीं। कहीं वो घर पर तो नहीं है? अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी उसके साथ? जरा मैं भी तो सुन लूं। ये वही बात है ना, नकली नोटों वाली? क्यों? हाँ, वो नकली नोटों की बात थी सर। बताओ, बताओ बात क्या है? काजल इन नकली नोटों के चक्कर में तो फंसी नहीं? सर वो नकली नोट मुझे काजल नहीं दिए। काजल ने दिए थे? हाँ सर। सर मगर मुझे नहीं लगता कि काजल इन नकली नोटों का काम करती होगी। सर जरूर उसे किसी ने फंसाया है। काजल की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है ताशा। एक सीआईडी ऑफिसर चाहे किसी भी जाल में फंसा, कभी गलत काम नहीं करे, फिर चाहे उसकी जान भी क्यों न चली जाए। नकली नोटों के चक्कर में ये नकली नोट काजल ने तुम्हें ही क्यों दिए? तुम्हें ही क्यों? सर उसने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, बस वही वापस किए थे। सर मैं तो बस उससे ये पूछना चाहती थी कि उसने मुझे नकली नोट क्यों दिए। अच्छा, तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर पहले मैं जानना चाहती थी कि काजल किसी गलत काम में तो नहीं। ठीक है, ये तो पता चल ही जाएगा। चलो काजल का घर चेक करते हैं अच्छी तरह से। माय गॉड, क्या हुआ यहाँ? माय गॉड, सारा सामान इतना बिखरा पड़ा, क्या हुआ? क्या यहाँ आशा, क्या हुआ था यहाँ पर? ये मत कहो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। कुछ तो हुआ यहाँ पर, कुछ तो हुआ आशा। अच्छा, तुम कैसे कह सकती हो कि ये काजल है? सर आज के कपड़े देख के तो यही लग रहा है कि ये काजल है। अच्छा अच्छा, ये काजल नहीं है, नहीं है काजल। तो वही कपड़े, वही दरी, पर ये तो काजल ही है ना। अच्छा, जब तक जांच पूरी नहीं होती, ये साबित नहीं होता कि ये लाश काजल की है, तब तक हम नहीं मान सकते कि ये काजल है, समझी तुम? ताला भी लगा हुआ था। तो क्या हुआ? इस घर में खून हुआ है, काजल के घर में खून हुआ है, खून। और इस लड़की का चेहरा देखो, इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया है कि इसे कोई पहचान न सके। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है ताशा, चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया है। देखो कुछ मिलता है क्या, ढूंढो ढूंढो अच्छी तरह से। कबर्ड भी खाली है, ड्रॉवर्स भी खाली हो रही है, सेफ भी खाली है, और ये लड़की, इसका
उसका चेहरा इतना बिगाड़ा गया कि कोई इसे पहचान भी नहीं सकता है। है क्या ये चक्कर? है कौन ये लड़की? आई कहां से है? है कौन ये? बड़े सामने आदमी खड़ा है, जिसे होलिया बताया था वो गैराज वालों ने, उसे तो यही लगता है ये अरे कुत्ते वाला। कौन है आप लोग? ओ हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले तुम ये बताओ कि ZYU9732 ये ट्रक तुम ही चलाते हो ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ ये तुम्हें बताना चाहिए कि क्या हुआ? क्या किया तुमने अपने ट्रक से? मैं कुछ समझा नहीं। रानी रोड पे सुनसान जगह पे ट्रक से एक औरत को थक्कर मार के तुम भाग आए ना, और ऐसे भोले बंदे जैसे कुछ किया ही नहीं तुमने क्या? कौन है आप लोग? CID गिलास ओके खड़े हो यहाँ पे समझा? जरा सा भी हिला या भागने की हरकत थी तो तेरा क्या असर करूंगा तू समझ नहीं सकती, समझा? माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया था। वो लड़की अचानक से मेरे ट्रक के सामने आ गई, मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं सका। गोली लगने का निशान है साहब। देखो यार, इसकी मौत तो एक्सीडेंट से हुई, तो क्या एक्सीडेंट होते होते ही से गोली लगी? सर, ट्रक ड्राइवर ने तो कहा था कि लड़की जंगल से बाहर भागते हुए आई और उसके ट्रक के सामने आ गई, और उसने गोली गोली चलने की तो कोई बात ही नहीं की, और ऐसा लगता तो नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। तो फिर गोली आई कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे गोली पहले लग गई? बस मुझे लगता है दया बिल्कुल ठीक है, एक्सीडेंट होने से पहले किसी ने एक लड़की को गोली मारी, गोली का घाव हमें दिखाई दिया नहीं क्योंकि पूरी बॉडी पर एक्सीडेंट की वजह से घाव था, बाद में एक्सरे से पता चला। मुझे तो लगता है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोच समझ के किया हुआ खून है। बिल्कुल, और गोली मारने से पहले एक लड़की को बांध कर रखा था। बांध कर रखा था? उसके हाथों पर ये निशान, रस्सी बांध कर। और सर ये दूसरी लाश? हाँ, ये दूसरी लाश, बस ये दूसरी लाश काजल की हो भी सकती है, जब तक पूरे टेस्ट नहीं हो जाते मैं कुछ भी नहीं कह सकता। भगवान करे ये काजल ना हो। सर, इसके फिंगरप्रिंट से तो हम पता कर सकते हैं ना कि ये काजल है कि नहीं? ताशा, हमने कोशिश की थी इसके फिंगरप्रिंट्स लेने की, लेकिन इसकी उंगलियों को बुरी तरह से खराब कर दिया। दरअसल खूनी ने सारे सबूत निकालने की कोशिश। तो फिर सर, इसके डेंटल रिकॉर्ड या फिर इसका चेहरा बनाकर पता लगा सकते हैं? नहीं बॉस, इसके चेहरे की हड्डियों को और इसके दांतों को भी बुरी तरह से खराब कर दिया है। मतलब फेस रिकंस्ट्रक्शन का चांस ही नहीं है ना? बिल्कुल। तो फिर सांग है बचता है डीएनए टेस्ट। बिल्कुल, और डीएनए टेस्ट के लिए मुझे काजल का टूथब्रश या हेयर ब्रश चाहिए, ताकि उसके टूथब्रश पर कोई थूक लगा हो या उसके हेयर ब्रश पर कोई बाल मिल जाए तो उससे डीएनए सैंपल लेकर के मैच किया जा सके। कोई सस्ता ही बंगला बुक करा देते, कुछ पैसे बच जाते तो हमारे ही काम आते ना। तुम कभी मेरे किसी काम से खुश हुई हो गया? कुछ भी कर लो, तुम्हारे डायलॉग वही रहेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ। सस्ता भी बुक करता ना,
तो यही सुनने को मिलता है मेहमानों के सामने हमारी नाक का ध्वज अस्पताल बुक कर। ठीक है अगली बार कोई भी काम हो ना तो मैं खुद ही कर लिया करूंगी। बेटे की शादी कुछ ज्यादा भी खर्चा कर क्या हो जाएगा, अरे लोग वाह वाह करेंगे। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? आइए बैठिए। देखिए हम काजल से मिलने आए हैं यहाँ। काजल से मिलने हैं? जी हाँ, थोड़ी जरूरी बात करनी थी उसके साथ, जरा प्लीज बुलाइए काजल को। पर सर काजल दीदी तो यहाँ पर नहीं है। क्या काजल यहाँ पर नहीं? मगर वो तो कहकर आई थी कि वो यहीं आने वाली। आई थी मगर दूसरी फ्लाइट से वापस चली गई, कह रही थी कि बहुत जरूरी काम है वापस जाना पड़ेगा। और शादी के चक्कर में हम उसे फोन भी नहीं कर पाए, वरना उसने तो हमें बहुत मदद की है, नहीं तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ थे। काजल ने पैसे की मदद की आप लोगों को शादी के खर्चे के लिए? हाँ। कितनी मदद की, कहाँ है वो पैसे? वो तो सब खर्चा हो गए, सिर्फ 50,000 बचे हैं हमारे पास। कहाँ है फिर वो 50,000? तो दिखाइए, तुम्हारे पास बैग भी है ना? हाँ। निकाल के दिखा। पर सर बात क्या है? काजल ने अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा, ये भी नोट नकली है। नकली नोट? ये नकली नोट है? जी हाँ नकली है। अरे यही वो जगह है ना जहाँ पे तुम्हारा एक्सीडेंट किया? हाँ साहब, जगह तो यही है, लेकिन साहब मैंने एक्सीडेंट जानबूझ करके नहीं किया साहब। फिर कैसे हो? लड़की किस तरफ से आई थी भाग के? इस तरफ से आई थी साहब। इस तरफ से? हाँ साहब। कोई और था उसके साथ? साहब मैंने तो उस लड़की के साथ किसी को नहीं देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई पीछा कर रहा। कौन था वो दिखाने? साहब एक आदमी को मैंने जंगल में भागते हुए देखा। वो आदमी उसका पीछा कर रहा था? हाँ साहब, उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथियार हो। कोई गन वगैरह थी? साहब मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि उसके हाथ में गन ही थी, लेकिन उसके हाथ में हथियार जैसा जरूर कुछ था। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था या नहीं? साहब बस मैं चेहरा ही नहीं देख पाया क्योंकि मैं उस वक्त डरा हुआ था और वहां से भागने की सोच रहा था क्योंकि मुझे कोई देख ना ले। सर उसी आदमी ने मारी होगी गोली, लेकिन ये गोली उसने एक्सीडेंट के वक्त मारी या एक्सीडेंट के पहले? मुझे लगता है फ्रेडी गोली उसी वक्त चली जब एक्सीडेंट हुआ, बाकी तो गुरुजी बता सकते हैं। गुरुजी? हाँ सालों के गुरुजी। क्या हुआ सर? बस जो हुआ है उससे मैं हिल गया, और जो अब होने वाला है उससे तुम हिल गया। इतना बिगड़ गया? मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए मैंने सारे टेस्ट दोबारा किए। बस बताता हूं, ये जो इस टूथब्रश से जो डीएनए सैंपल मिला है वो इस लड़की का है। मगर ये टूथब्रश तो हम काजल के घर से लाए थे। हाँ ताश, ये टूथब्रश काजल का है। तो इसका मतलब है कि एक मिनट बस, इस हेयर ब्रश में जो बाल मिला है
वो भी इस लड़के का है। हाँ बस, ये सारा सामान आप लोग काजल के घर से लाए थे। मतलब सांखे ही है, काजल है। हाँ प्रदीप, इस बात को ज्यादा देर तक झुटलाया नहीं जा सकता है कि काजल ही है। तो लड़की यहां से गई होगी। हाँ सर, उस लड़की को यहीं पर बांध कर रखा होगा, मौका मिलते ही भाग गई होगी बेचारी। जिसने उसे बांध के रखा था उसके पीछे पीछे सड़क तक भागा होगा, और जब रुकी नहीं तो गोली मार दी, और उसी वक्त एक्सीडेंट भी हो गया। चलो देखते हैं। मतलब उस लड़की को यहां पे मार के रखा था किसने? ठीक है, किसी ने सबूत बताने की कोशिश की। चले हुए पेपर्स और यहां पे लड़की को बांध के रखा जाना, ये कोई बड़ा चक्कर है फिर। कुछ लिखा हुआ है? नहीं, ये तो नोट है सर। मतलब किसी ने नकली नोट को यहाँ पे जलाए हैं, 500 के। शायद इसके बारे में लड़की को पता चला होगा और इसीलिए उसे मार दिया गया। सर, काजल का भी इससे संबंध है? शायद इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, शायद कुछ और भी मिल जाए। किसी को भागने के लिए कह रही है सर, मतलब किसी और की भी जान खतरे में। फ्रेडी, इस लड़की ने इस नंबर से मैसेज भेजा है, मोबाइल फोन से पता कर सकते हैं कि नंबर किसका है? यस सर। हेलो, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। 0571-548-90 ये नंबर किसका है? हेलो, क्या काम है? किसी से बात करनी है आपको? हाँ, बात करनी है। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, मुंबई CID से। CID? क्या बात है? आपके हॉस्टल में साक्षी नाम की लड़की रहती है। साक्षी? हाँ। साक्षी तो सर, एक मिनट रुकिए, मैं रजिस्टर में देखती हूँ। प्लीज। मुंबई में? मुंबई कहाँ पे, कुछ मालूम है? जी हाँ सर, होशियारा में अपनी दोस्त के साथ रहती है। अच्छा, इस दोस्त का नाम क्या है, कुछ बताया? नहीं सर। अच्छा, कौन से कॉलेज में गया, कुछ नाम हम लिखा है वहाँ पे कॉलेज का? जी हाँ, लिखा है JQ कॉलेज। JQ कॉलेज? जी। ओके, थैंक यू। सर, JQ कॉलेज में तो काजल भी पढ़ती थी सर, और उसका घर भी होशियारा में। काजल JQ कॉलेज में पढ़ती थी और साक्षी JQ कॉलेज की स्टूडेंट है, तो हो सकता है काजल और साक्षी दोस्त हो, और साक्षी काजल के साथ रह रही हो शिवरा में। और ये भी हो सकता है कि वो जो टूथब्रश और हेयरब्रश काजल के घर से मिला है वो
साक्षी का ही। सर अगर ऐसा है तो फिर काजल कहाँ है? हाँ मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके ओके थैंक्स सर। जिस मोबाइल से साक्षी को मैसेज किया गया था वो मोबाइल किसी परिणीता का था सर। मतलब एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की परिणीता है? हाँ सर, और वो टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी। ओह, तो फिर ये साक्षी और परिणीता, इन दोनों लड़कियों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर है, जरूर है। काजल के घर की फिर से तलाशी लेनी चाहिए, वहीं से कुछ पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं। अरे साक्षी यहां काजल के साथ रह रही थी, कोई तो सबूत होना चाहिए उसका यहां रहने का। कुछ तो सामान, हेयरब्रश और टूथब्रश के अलावा। हो सकता है कि वो हेयरब्रश और टूथब्रश साक्षी के, इसलिए तो वो उसकी लाश से मैच हो गए। ये भी हो सकता है कि काजल जिंदा। हाँ ताशा, भगवान करे तुम्हारी बात सच्ची हो, लेकिन क्या कहें, कुछ भी हो सकता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षी और परिणीता दोनों इस नकली नोट के रैकेट में मिले हुए हैं और काजल को इस बारे में कुछ पता नहीं? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। काजल ने मुझे बताया था कि उसके घर में तो कोई वॉशिंग मशीन है नहीं। काजल के घर में वॉशिंग मशीन थी? तो फिर ये कहां से आ गई? देखिए ना, और कुछ भी नहीं है। देखो ना, मेकअप का बॉक्स है ना? सर लेकिन काजल तो ऐसा कोई मेकअप बॉक्स यूज नहीं करती। काजल मेकअप नहीं यूज करती, तो फिर ये मेकअप का सामान सारा सामान अच्छा ज्यादातर मुझे लगता है शूटिंग में यू इस्तेमाल होता है ना, मसाला सामान है कौन ये क्या? तो सारा सामान शूटिंग में इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े शूटिंग में। लाखों रुपए होंगे इसमें, कम से कम 3-4 लाख। तो असली में है, असली मतों को इस तरह छुपा कर क्यों रखा है? वही तो ताशा, ये जो भी कोई है जिसका भी पैसा है मुझे लगता है ये नकली नोटों के रैकेट में जरूर फंसा हुआ है, और वो थिएटर और शूटिंग से जुड़ा हुआ है। पता लगाना पड़ेगा है कौन है। और थिएटर यहीं पे होने वाला है ना प्रोग्राम जिसमें साक्षी और परिणीता काम करती हैं?
हाँ सर, कोई दाजीज ग्रुप है जो वो प्रोग्राम करने वाला है, उसमें साक्षी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट का काम करती है और परिणीता कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। बड़ा ग्रुप है क्या? कह तो रहे कि ये बड़ा ग्रुप है, ये लोग इंडिया और इंडिया के बाहर भी घूम घूम के प्रोग्राम करते रहते हैं। इस ग्रुप के मैनेजर को ढूंढो, उसे जरूर कुछ मालूम होगा कि कौन कौन मिला हुआ है इस परिणीता और साक्षी के साथ। हाँ सर, शायद काजल के बारे में कुछ सुराग हाथ लग जा सके। ये लोग तो सामान बाहर लेके जा रहे हैं, प्रोग्राम खत्म हो गया क्या? तुमने सीटे के मैनेजर से बात की थी? हाँ सर। क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि अभी तो रिहर्सल चल रही है, प्रोग्राम बाद में होगा। चलो चल के देखते हैं। अरे ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जैसा बोला सर वैसा कर दिया हमने। क्या बताया था मैंने? क्यों दिमाग खराब कर रहे तुम? प्लान में ये बताया था अगर तुम विलेन के छुपने की जगह ये करोगे तो हीरो हीरोइन को लेकर जाएगा कैसे, और फिर विलेन भागेगा कहाँ से? वो हम कैसे बताएंगे सर विलेन कहाँ से भागेगा, ये तो आपको सोचना है ना। यार अनिकेत, मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। यार किसने भेजा इस आदमी को? अरे महेश तुम टेंशन मत लो यार, मैं कुछ करता हूँ। तुम बाहर जाओ यहाँ से, और दादा को अंदर भेजो, बोलो बुलाया अंदर। मेरा पैसा कौन देगा? अरे दे देंगे तुम्हारे पैसे भी, जाओ दादा को अंदर भेजो। पैसे की बात करो। अरे तू निकल पहले यहाँ से निकल। Excuse me. ये दाजी सेटअप ग्रुप का काम चल रहा है ना? हाँ जी। हम लोग CID से साक्षी और परिणीता के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। बताया था मैनेजर ने कि आप लोग आने वाले हैं। मैं अनिकेत हूँ प्रोड्यूसर, और ये महेश डायरेक्टर है। हेलो। साक्षी और परिणीता की मौत का दुख देखिए हमें भी है, हमें धक्का भी बहुत गहरा लगा है। सर मौत नहीं हुई है, किसी ने खून कर दिया। खून? हाँ, ये दोनों लड़कियां नकली नोटों का धंधा करती थी और शायद उसी वजह से उनका खून भी हो गया। नकली नोटों का बिजनेस? दिखने में तो वो बहुत ही शरीफ लगती थी, पर उन्होंने ये नकली नोट का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? जी उनको देखकर हमने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया कि वो ऐसा काम करती होंगी, यहाँ तो बड़ा मन लगा के काम करती थी। अनिकेत, अनिकेत, जब तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी सेट कंप्लीट कैसे होगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे यहाँ कॉफी रख दी, एक मम्मी की कॉफी जिसमें हीरोइन छुपेगी। वो मम्मी रखने वाला बॉक्स मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। तो कहाँ गया वो? सुना है किसी ने भेज दिया यहाँ से। भेज दिया? क्यों? जिस चीज की यहाँ पे जरूरत थी उसे भेज दिया। किसने भेज दिया वो मम्मी का कास्केट यहाँ से? जो लोग सामान लोड कर रहे थे ट्रक में जरा उन्हें बुलाओ। साहब उनमें से एक आदमी है यहाँ पे, बाकी सब तो सामान के साथ चले गए। बुलाओ उसे। ठीक है सर। मैंने भी प्रॉपर्टी में सबसे पूछा मगर कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं। किसने भिजवाया वो मम्मी का कास्केट यहाँ से? हाँ उसकी जरूरत तो यहाँ पे थी, किसने बोला तुम्हें भेजने के लिए? हाँ तुमने भेजा? क्या था उस कास्केट? कास्केट में क्या था आखिरी बार पूछा। बस
बॉल 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 बहुत भाग दिया। बता क्या था उसका केस में नहीं छोड़ दूंगा नीचे। छोड़ो हाँ छोड़ो हाँ कहाँ भेजा उसका केस। ये वो ट्रक है जिसमें वो कास्केट वाले हाँ सर बॉक्सेस रखे थे मम्मी इसके सर तो खाली सर ये वही लोग हैं सर जिन्होंने मम्मी वाला बॉक्स तक में रखा था। आजा बॉक्स का क्या किया जिसमें मम्मी रखी है? रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक अरे रुक जा कहां भाग रहा है रुक जा। ये मम्मी वाला बॉक्स कहां पे छुपा के रखा है तुमने बताओ? देखो दया सर आ जाएंगे फिर बताना मुश्किल होगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ। समझे दया हो या और कोई आने दो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये पियानिस्ट पियानिस्ट मुंह के अंदर दांतों का पियानो बजाते समझे। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सर इसे सब कुछ पता है सर सब पता है सर। जब दया का हाथ कटता है तो मुंह के अंदर दांतों से प्यानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? प्यानो बॉक्स का वो बॉक्स हमने पूल में डाल दिया। डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने गुना तो कर लिया लेकिन अंजाम के बारे में सोचा नहीं। गाड़ी में बैठे थिएटर की आड़ में नकली नोटों का धंधा करते हो। थिएटर जैसी सुंदर कला को बदनाम करके रख दिया तुम लोगों ने। एक तो नकली नोटों का धंधा ऊपर से एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप किया। सर अगर आपने पत्ता नहीं आते तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं होती। इन लोगों ने तो मुझे मार ही दिया था। कहाँ कहाँ पे बाजे हैं नकली नोट और कौन कौन लोग हैं तुम लोग के साथ? पर ये नकली नोट का काम ज्यादातर वो साक्षी और परिणीता ही करते थे। उन लोगों ने नोट किस किस को कहाँ कहाँ बांटे हमें नहीं पता सर। एजेंट्स भी उन्होंने बाहर खुद ही तैयार किए हैं।
हमारा काम सिर्फ नकली नोट पहुंचाना था उसे, लेकिन मार्केट में चला उनका काम था। वो दोनों हमारे लिए सब कुछ थे, एजेंट, मैनेजर, सब कुछ। लेकिन उसके बाद साक्षी ने हमारे साथ गद्दारी की। उसने हमें ये नहीं बताया कि उसकी कोई दोस्त सीआईडी ऑफिसर है। हम लोग एक्चुअली डर गए थे सर, हमें लगा हम कहीं पकड़े ना जाए। पर फिर एक दिन अचानक उनके एजेंट ने फोन किया नकली नोटों के बंडल के लिए। वो पूछ रहा था वो मिला कि नहीं। तो तुम समझ गए कि साक्षी ने कुछ गड़बड़ किया उस नोटों के पार्सल के साथ, है ना? सर, साक्षी ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। शादी के लिए जो पैसे मैंने निकाले थे उसने उन पैसों को भी नकली नोट्स के साथ बदल दिया। साक्षी को क्यों मारा तुम लोग? उसके मन में लालच आ गया था, वो एकदम से अमीर बनना चाहती थी। छुप के बैठी थी सीआईडी वालों के घर में और वहीं से अकेले में नकली नोटों का कारोबार चला रही थी। पता कैसे चला तुम्हें साक्षी के बारे में, बताओ? एक दिन हम लोगों ने परिणीता का पीछा किया और उसे पकड़कर जब मारा पीटा तो उसने हमें साक्षी का पता बता दिया। सर, साक्षी को मारने के लिए जब ये लोग मेरे घर पहुंचे तो मैंने इन लोगों को देख लिया, तो इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। मगर तुम तो जयपुर गई थी ना? हाँ सर, साक्षी को परिणीता ने मैसेज किया था कि उसकी जान खतरे में है, तभी साक्षी ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है और मैं लौट आई सर। मगर तब तक साक्षी को मार दिया था इन लोगों ने। हाँ सर। तुम लोगों ने परिणीता को क्यों मारा? क्योंकि वो हमसे भाग रही थी। हमें लगा कि अगर वो पकड़ी गई तो सब कुछ उगल देगी और हम लोग फंस जाएंगे। तो तुमने उसे भी मार दिया? हाँ। पैसे की लालच में क्या क्या नहीं किया तुम दोनों ने, दो खून किए, नकली नोटों का धंधा किया, एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप किया। हमारे बाप का खरा तो भर गया, अब फांसी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सर, ये है वो कोठरी जहां हमने विजय को और अमित को रखा था। सचिन, किसी तेज हथियार से गला काटा। सर, ये तेज धार वाली चीज जेल में आई कहां से? जेल में स्टील के चम्मच वगैरह तो मिलते ही हैं। वैसे किसी चीज को अच्छे से तेज धार बना लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ।
से ये हमारे वार्ड में राकेश। राकेश, राकेश एक बात बताओ, क्या इन लोगों के बीच में कोई आपसी दुश्मन थी, कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं सर, विजय हमेशा चुपचाप शांत रहता था। अच्छा, जब ये सब हुआ तब यहाँ पर ड्यूटी पे कौन था? दो गार्ड्स थे सर। बुलाओ। जी अभी बुलाओ। सर ये रहे वो दो गार्ड। तुम दोनों ड्यूटी पर थे, क्या हुआ यहाँ पर बताओ। सर जब मैं सारे सेल चेक करके गया तो विजय वहाँ चुपचाप पड़ा हुआ था, और अंदर जाकर देखा तो सब नाटक था, वहाँ था ही नहीं। इसका मतलब चेकिंग से पहले ही निकल गया। लगन की ड्यूटी कब चेंज होती है? ठीक शाम 8:30 बजे ड्यूटी चेंज होती है, और 10 मिनट का समय मिलता है पुराने गार्ड को निकलने के लिए और नए गार्ड को पोजीशन लेने के लिए। 10 मिनट का समय? जी सर। ना काफी है किसी भी चोर भाग में। सचिन, फ्रेडी, काम करो, सेल को अच्छी तरह से चेक करो, देखो देखो यहाँ पर कोई चोर रास्ता है क्या बाहर भागने के लिए। सीढ़ी लेकर आओ, घुस जाओ इस दफ्तर, देखो कहां बाहर निकल पाए, संभाल के। रास्ता सीधा टेरेस पे आता है सर। ओके सर। क्या मिला? सर, मुझे इसी रास्ते से बाहर निकल सकते। अच्छा अच्छा, इस रास्ते से निकला है वो बाहर। उठाओ इस खून के सर। सर खून के निशान तो यहाँ पे भी है, ये देखिए। ये देखिए सर, यहाँ पे भी। वो क्या है देखो ना। सर ये तो कैदी की यूनिफॉर्म से। इसका मतलब है विजय ने कपड़े यहाँ पर बदले, भाग गया। लेकिन सर उसके पास पहनने के लिए दूसरे कपड़े आए कहाँ से होंगे? बड़ी जेल में कैदी को सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े दिए, ये कपड़े सिर्फ एक ही जोड़े। ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर विजय ने ये कपड़े यहाँ पर बदले तो वो कौन से कपड़े पहनकर गया होगा, किसने दिए होंगे उसे वो कपड़े? सर कपड़े छुपाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जेल के एंट्रेंस पर कपड़े तो रखवा नहीं सकते। एक काम करो, या जितने भी गार्ड्स ड्यूटी पर थे सबको बुलाओ। यस सर। रेडी? ये विजय गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर भागा। हाँ सर, 8:30 बजे के आसपास भागा है वो, और 8:30 बजे सभी गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती है। सर इसका मतलब है कि उसको भगाने में किसी गार्ड का भी हाथ है। हाँ हो सकता है।
के नीचे से कैदी यहां से भागा और हमें शक है कि उसकी मदद की है तुम लोगों ने, जब तुम में से किसी एक ने हमारा यूनिफॉर्म पहनकर भागा, गार्ड का यूनिफॉर्म। वैसे कोई हम ऐसा क्यों करेंगे? ये तो वही बताएगा जिसने ये किया है। देखो अपराधी का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार जितना कि अपराध करने वाला। जिसने भी उसे यूनिफॉर्म दिया खुद बाहर आए, हमें बाहर निकालना पड़ेगा उसे। देखो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपने आप सामने आ जाओ, समझे? ये बताओ तुम लोगों को कितनी जोड़ी यूनिफॉर्म मिली? सर दो जोड़ी। दो जोड़ी यूनिफॉर्म। जाओ अभी इसी वक्त दूसरी जोड़ी यूनिफॉर्म लेकर जाओ जल्दी। परेशान क्यों? किससे बात कर रहा था फोन पे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। गलती हो गई तुझसे? तूने अपनी यूनिफॉर्म दी थी ना विजय को, जो उसे पहन के निकल सके यहाँ से। तुम्हारी सिक्योरिटी वाले कपड़े पहनकर भागा ना वो यहाँ से। हाँ सर, इस काम के लिए उस आदमी ने हमें बहुत पैसे दिए, मैं लालच में आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो सर। कौन है वो? किसने दिए थे पैसे? मनोज, उसका नाम मनोज था सर। मनोज? मनोज के घर का पता दो हमें, अरेस्ट करो इसे। देखते हैं शायद मनोज अंदर ही। वैसे ही जैसे जेल में अमित को मारा गया। डॉक्टर कुछ घंटों पहले ही मौत हुई। लाइट का स्विच कहाँ है? देखे चाकू जैसा बनती है और फिर इससे गला काट दिया है। शायद अमित को भी ऐसे ही मानती है। मतलब इस विजय ने ही मनोज का भी खून किया है? सर इस मनोज ने ही तो विजय को जेल से भागने में मदद की। तो गार्ड की बात माने तो ये तो थी। विजय जेल से भाग के यहाँ आया मनोज से मिलने,
फिर इसका ही खून करके भाग गया है। मगर सर, जेल से भागने के बाद कहीं छुपने की बजाय वो इस आदमी के पास आ गया जिसने उसकी मदद करने की कोशिश की, और वो इसी को मारकर भाग गया। ऐसा क्यों? शायद कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। काम करो, घर को अच्छी तरीके से चेक करो, कोई भी उंगलियों के निशान मिले उठा लो। ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते थे, तो शायद ये दोस्त। अच्छी बात है, फोटो से तो अच्छे दोस्त दिख रहे हैं, फिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का खून कर दिया, क्यों? कोई ना कोई बड़ी वजह तो होगी। दशा एक एक प्लान लगता है। ब्लूप्रिंट है किसी बिल्डिंग का, शायद विजय का अगला निशाना यही है। जल्दी से जल्दी हमें ये जगह ढूंढनी होगी। अच्छा, जरा दूसरा नक्शा देना। ये नक्शा तो बिल्कुल जेल का ही नहीं, बिल्कुल नहीं अलग। तो फिर सर, ये नक्शा कहाँ का हो सकता है? सर, मुझे लगता है ये विजय जिस जगह को अपना अगला निशाना बनाना चाहता है, ये नक्शा वहाँ का होगा। शायद इस जगह पे वो चोरी करने वाला होगा। वहाँ का भी नक्शा है, दीवारें काफी ऊंची, करीब 40 फीट की, और ये दो जगह, ये यहाँ और यहाँ, काफी सिक्योरिटी है। हाँ सर, सर देखने से ये घर का नक्शा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई किला हो सकता है। हाँ सचिन, ये बिल्डिंग में दो फ्लोर हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे यहाँ पे ये बड़ा सा हॉल है, दरवाजे स्टील के हैं, इतना सब बनाया हुआ है, एक एक चीज बहुत बारीकी से बनाई गई है। फिर इस विजय ने कोई बड़ी प्लानिंग की है सर, बड़ी स्कीम, शायद कोई बड़ा हाथ मारने वाला होगा। ये उसका अगला निशाना ही है, कोई बैंक या फिर म्यूजियम भी हो सकता है। सचिन एक काम, इस नक्शे की कॉपी बनाकर शहर में जितने भी म्यूजियम और बैंक हैं सब में भेज, पता चल जाएगा किस जगह का। मनोज के घर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसके रिपोर्ट्स आ गए। इस तेज धार वाले चम्मच पर जिसे मनोज का खून किया गया था और घर पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब पर विजय के ही उंगलियों का निशान। विजय के ही? तो इसका मतलब है खून विजय ने, विजय ने अपने दोस्त का खून किया। दोनों पुराने दोस्त थे और पुराने मुजरिम, एक साथ मिलके काफी चोरियां, कम से कम 7 चोरी तो की। ये 2 साल पहले उनकी दोस्ती टूट गई थी। क्यों? सर, शहर के एक बड़े बैंक में डाका डालने गए थे, उसके बाद दोनों के दोनों इंडिया छोड़ के मैक्सिको जाने वाले थे। इस समय ये लोग लूट रहे थे तो मनोज के हाथ में जो टिकट्स थे बाहर जाने के वही गिर गए, दोनों फंस गए। अच्छा, और उसके बाद सर विजय ने कभी मनोज के साथ काम किया ही नहीं। पर सर, पूरे 2 साल बाद क्यों मारा उसने मनोज? तो शायद इस नक्शे की वजह से खून किया होगा। सर एक जगह का नक्शा है जो इस ब्लूप्रिंट से बिल्कुल मैच करता है सर। अच्छा, कौन सी जगह है? वो एक म्यूजियम है सर, जहाँ पे बहुत पुरानी चीजें रखी हुई, और चीजें इतनी पुरानी हैं कि उसकी सही कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है सर, और ये चीजें लगभग करोड़ों की होंगी सर। और एक बात और, वहां 3 दिन पहले अभी चोरी हुई।
वहां 3 दिन पहले चोरी हुई है। चल के देखना ही चाहिए जगह। हम लोग सीआईडी से। हेलो सर, आई एम नेहा, इस म्यूजियम की मैनेजर। सर मैं विक्रम, यहाँ की सिक्योरिटी देखता हूँ। देखिए हुआ कुछ ऐसा है कि एक खतरनाक कैदी जेल से फरार हो गया और उसके दोस्त के घर से हमें इस म्यूजियम का नक्शा मिला। उस नक्शे में साफ साफ दिखाया गया कि कौन सी चीज कहाँ पे है। चोरी यहाँ पे हुई है, शायद उसी ने की है। आप जरा हमें वहां लेके चलिए जहाँ पे ये चोरी हुई। जी सर, आइए आइए। जो कुछ ले गए हैं वो ही इतना है कि ये सब उठाने के लिए उनके पास जगह ही नहीं बची होगी। बहुत कीमती सामान था क्या? जी हाँ सर, पुराने जमाने के सोने चांदी और हीरो के कीमती जेवरात, मोहनजोदारो के टाइम के सिक्के थे, उनकी कीमत तो लगाई नहीं जा सकती सर, 5,000 साल पुराने थे। चोरी अंदर उसे कैसे? सर अभी तक यही समझ नहीं आया कि सर वो लोग अंदर कैसे आए, जबकि ना कोई दरवाजा टूटा है ना कोई खिड़की, पता नहीं कहां से आए और किधर से गए। ये क्या जो कैमरा लगा है, ये सब बंद है क्या? नहीं सर, ये सब चल रहा है सर, मगर उन लोगों ने सर इस कैमरे के सामने इस जगह की एक फोटो रख दी और कंट्रोल रूम में बैठे गार्ड लोग यहाँ क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। पर यहाँ तो ये इंफ्रारेड सेंसर्स भी लगे हुए। जी सर, इसे अलार्म एक्टिवेट होता है जी, तो फिर अलार्म बजाते हैं? पता नहीं सर क्यों नहीं बजा। ये सेंसर्स काम तो कर रहे हैं। जी सर। तो बड़ी अजीब बात है, इस सेंसर से लड़कियों के ड्यूरेंट की खुशबू हुआ तो है। ऐसा तो नहीं कि उनकी गैंग में कोई लड़की भी शामिल हो सकता है। सेंसर पे टीओ मार दिया, सेंसर ने काम करने ही बंद कर दिया। अच्छा दिमाग लगाया। चोर तो ज्यादा ही पढ़े लिखे लगते हैं सर। इस तिजोरी को खोलना इतना आसान काम नहीं है। इस तिजोरी के ताले को खोलने के लिए पूरे 20 नंबर का कोड लगता है। पता नहीं कैसे उन लोगों को इसका कोड पता चला। ये पहले से ऐसी है? सर, मैंने तो पहले कभी इसको देखा भी नहीं। कैमरा यहाँ पे फिट कर दिया होगा। जब किसी ने ये तिजोरी खोली तो पासवर्ड इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, आसानी से तिजोरी खोली। जी, जब यहाँ पे चोरी हुई थी आप लोगों के अलावा इस वॉशरूम में कोई और गया? यस सर, इस कमरे का एसी खराब हो गया था, उसे ठीक करने के लिए लोग आए थे। एसी खराब हो गया? आपके पास ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह? चलाइए जी। ओके, चेक करो इसका वेंटिलेशन। तो ये नीचे वाला ग्रिल ठीक से बिठाया नहीं। ये देखिए जो एसी का वेंटिलेटर है, ये कहाँ पे जाके पड़ता है? एसी का सेंट्रल प्लांट तो बिल्कुल ठीक है, पर कहीं ना कहीं तो डक्ट खुला ही होना चाहिए।
यहां से गए हैं वो लोग अंदर। अभिजीत, इस दीवार की ऊंचाई कम से कम 20 फीट तो होगी और इतनी ऊंचाई से छलांग लगा के अंदर आना या बाहर जाना जरा मुश्किल लगता है। बाहर से नहीं आया तो फिर कहां से आया? हमने कहीं से तो आया होगा। दीवार के उस तरफ इतने सारे गार्ड्स हैं कि उनके नजर से बच के निकलना तो और भी मुश्किल लगता है। बस फिर घुसे कहां से? हम सोच रहे थे कि कूद के कहां से गया वो, अगर वो तो दुबक के निकला है। ये देखो, ऐसा लगता है कि वो इस ड्रेनेज में से बाहर निकल गया। सर, जो लोग एसी ठीक करने आए थे मैं उनके नंबर लगा रही हूँ, लेकिन उनमें से किसी का नंबर नहीं मिल रहा। फोन लगेगा भी नहीं नया जी, क्योंकि वो सब लोग नकली थे। एसी से उनका कुछ भी लेना देना नहीं। वो लोग शायद विजय और उसके साथी थे। वो लोग अपना छोटा सा कैमरा लगा के चले गए और फिर दोबारा आके चोरी करके निकल गए इस ड्रेनेज में से। एक काम करते हैं, इस ड्रेनेज का नक्शा मंगवा लेते हैं, देखते हैं ये ड्रेनेज कहाँ कहाँ खुलता है। दशा, ये चोर बड़ा शातिर है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद आसानी से चोरी करके निकल गया। और चोरी में ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो आसानी से नहीं मिलती, दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती। ये मैप, ये म्यूजियम का मैप, ये तो हमें मनोज के घर से मिला था। इसका मतलब है कि विजय से चोरी किसी और ने की। पर सर, 3 दिन पहले इस म्यूजियम में इतनी बड़ी चोरी करने के बाद एक फार्म हाउस में एक छोटी सी चोरी करने गया हो, क्यों? उसका दिमाग खराब है क्या? हाँ, फार्म हाउस में चोरी करने जैसा कुछ था भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, लास्ट थोड़ा अलग। अच्छा, बिल्डिंग के पाइपलाइन का जो नक्शा जरा देना। गार्डन में से पाइपलाइन शुरू होती है और 4 अलग अलग दिशा में जाती है। चारों तरफ सर बिल्डिंग और ऑफिसेज भी हैं। कहीं बिल्डिंग और ऑफिसेज में सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा सुने नहीं है? शायद उनकी रिकॉर्डिंग हमारे काम आ गया। तो लग गया। 2 बातें, बिल्डिंग और ऑफिसेज में जाकर पता लगाओ इस सिक्योरिटी सिस्टम कैमरा और रिकॉर्डिंग्स के बारे में, और शहर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं सब में जाकर के पूछताछ करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये जो चोरी में इस्तेमाल किया गया सामान है किस दुकान से खरीदा गया है। एक्सक्यूज मी भाई साहब। यस सर। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। श्योर सर, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। आपको जैसा कैमरा चाहिए वैसा कैमरा मिलेगा यहाँ पे। नहीं, हमें कैमरा नहीं चाहिए। फिर देखिए, हम लोग CID से। CID? ये बताइए कि आपके यहाँ वो छोटे छोटे कैमरास मिलते हैं जिसमें ट्रांसमीटर भी होता है, जिसके थ्रू आप फोटोज बाहर भेजते हैं। एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ हम किसकी बात कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कैमरा। अरे ये कैमरा, ये आप कैसे खरीदा गया? ये कैमरा हमारे यहाँ से ही खरीदा गया। अब CID वाले भी हमारे यहाँ से कैमरा लेने लगे हैं। जी नहीं, CID नहीं, बल्कि इस कैमरे का इस्तेमाल एक चोर ने किया। चोर? वो चोर था? याद है वो कौन था? हाँ हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे बिल्कुल याद है। ऐसा क्या अजीब था? अजीब नहीं सर, वो हमारे यहाँ आया था, उसने दुनिया का सबसे छोटा कैमरा मांगा था। ये कैमरा काफी महंगा आता है सर, वो कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था, तो मैंने उसे बाहर से मंगवा कर दे दिया सर। वो आदमी दिखता कैसा था? जी वो सर, उसके भूरे रंग की दाढ़ी थी और भूरे बाल थे, और वो हमारे यहाँ 3 बार आया था और हमेशा चेहरे पर काला चश्मा लगाया करता था। भूरी दाढ़ी और भूरे बाल, इसका मतलब वो चेहरा बदल गया है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें और कुछ याद है, क्या देखा था? हाँ सर, एक चीज थी, उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था। हाथ पर टैटू? किस चीज का टैटू? मेरे ख्याल से ड्रैगन का था। अच्छा आप एक कम, हमारे ये फोन नंबर रखिए अपने पास, और ये आदमी अगर दोबारा आपके यहाँ आता तो मैं तुरंत फोन। जी सर, जरूर करूँगा। अच्छा वो चारों ड्रेनेज पाइप के सिक्योरिटी सिस्टम कैमरास का फुटेज मिल गया? हाँ सर, चारों तरफ 14 कैमरास लगा गए थे, उन सबके रिकॉर्डिंग्स मिल गए। 14 कैमरास?
क्या हुआ अभी? कुछ मिला क्या? सर कुछ तो मिला है, ये देखो। एक मिनट जरा पॉज करके रिवाइंड करो। बैग इतनी देर से यहां पर खड़ी, बिल्कुल उसके नीचे ये ड्रेनेज का कवर है। इसका मतलब है चोर यहीं से भागा। यहां से निकलकर वो सीधे वैन में बैठ के फरार हो गया सर। आसपास किसी को वो पता भी नहीं चला होगा। वैन का नंबर तो दिख रहा है, इससे मालिक तक पहुंचा जा सकता है। भी हो सकता है। जी कहिए। मिस्टर विकास जी, आपकी वैन का नंबर MS20119 है। जी हाँ, आप कौन? हम लोग CID से, चोरी के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। CID? चोरी? 3 दिन पहले एक चोरी हुई थी, इसमें आपकी वैन का इस्तेमाल किया गया। सर ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा किसी भी चोरी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा? चोरी से नहीं तो कम से कम चोरों से तो होगा है? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ, 4 दिन पहले मेरी वैन चोरी हुई थी, वो भी मेरे घर से। 4 दिन पहले गाड़ी चोरी हो गई? किस टाइम की बात है? उस वक्त करीबन रात के 8 बजे। तुमने गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट तो लिखवाई होगी, जरा वो रिपोर्ट दिखाना। नहीं, रिपोर्ट तो मैंने नहीं लिखवाई। क्या गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी गाड़ी किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है? रिपोर्ट तो लिखवानी चाहिए थी। वो एक्चुअली गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर्स नहीं थे मेरे पास, तो मैंने सोचा रिपोर्ट लिखवा के क्या फायदा होगा, ना तो गाड़ी मिलती ना कोई पैसे मिलते। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हें गाड़ी वापस नहीं मिली? कोई चांस ही नहीं था मैडम, हमारी पुलिस तो। अच्छा, गलती तुम्हारी और उसमें भी दोषी हम हैं? सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। ये जो लोग तुम्हारी गाड़ी लेके गए उनको देखा था तुमने? जी नहीं, किसी को नहीं देखा। कुछ तो देखा होगा। नहीं सर, मेरे नाक के नीचे से मेरी वैन भी चोरी करके ले गए और यहाँ कचरा भी फेंक गए। कचरा? कैसा कचरा? वो जाते जाते कुछ खाने के रैपर्स, नैपकिन्स, ये सारी चीजें यहाँ फेंक गए। तो वो सब कहाँ है? कहीं तुमने भी तो नहीं फेंक दिया? नहीं सर, वो पीछे कचरे के डब्बे में मैंने डाल दिया। जी आइए सर। सर ये पीली वाली प्लास्टिक देखो सर। ये देखिए बिल। टिकोलो बर्गर मलाट, चलो देखते हैं किसने खाया ये। सर, मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? देखिए ऑर्डर छोड़िए, हमें कुछ और काम है, हम लोग यहाँ खाने नहीं आए। क्या काम है? हम लोग CID से। CID से? जी हाँ, आपसे कुछ बात करनी। क्या बात करनी? इस बिल को देखिए। हम उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसने ये ऑर्डर दिया। ये बिल 4 दिन पुराना है। 4 दिन पहले का ऑर्डर? सर यहाँ पर तो इतने कस्टमर जाते हैं, हर एक को याद रखना बहुत मुश्किल है। आपके यहाँ कैमरा लगा, इसकी फुटेज देख सकते हैं? इसे पता चल जाएगा कौन आया कौन गया।
हाँ सर, पर वो आदमी शायद आपको कैमरा में नहीं दिखाई देगा। कैमरे पे आदमी नहीं दिखाई? क्या ये कैमरे बंद करके रखे हैं? नहीं सर, कैमरा तो 24 घंटे चालू है, पर ये जो बिल आप लाए हैं वो फोन पर दिए हुए ऑर्डर का है, मतलब किसी ने घर बैठकर ये ऑर्डर दिया हुआ है। होम डिलीवरी है? फिर तो आपने ये ऑर्डर कहाँ भेजा आपको मालूम? एड्रेस वेड्रेस तो रखते ही होंगे ना? हाँ सर, एड्रेस तो लिखा होगा, क्योंकि इस पर जो कोड है वो हमारे रेगुलर कस्टमर का है। मैं भी चेक करके बताता हूँ। हाँ सर, 303 मार्श विला अपार्टमेंट, सेकंड क्रॉस लेन, कांदिवली। बर्गर खा के गाड़ी चलाई इसने, देखें आप क्या कर रहा है। भी उसी तरीके से मारा गया जैसे अमित को मारा गया था। हाँ सर, ये कोई विजय के क्या कारण होगा सर? हो सकता है, देखो देखो अच्छी तरह से देखो और कुछ मिलता है। देखिए सर, एंटिक गैलरी का सीवेज प्लान। एंटिक गैलरी का सीवेज प्लान, ये कोई छोटे मोटे चोर नहीं पहुंचे हुए हैं। में कहां से घुसना है, कैसे भागना है, सब का नक्शा बनाया है। या तो विजय के किसी दोस्त की या फिर
उसके गैंग के किसी दुश्मन की। मगर सर हमें उस घर में जो फाइल मिली उसमें जो उंगलियों के निशान है ऐसे किसी के फिंगरप्रिंट्स को संभाल के क्यों रखे? एक बार ये पता चल जाए कि वो उंगलियों के निशान है किसके तो पता चल जाएगा। नहीं अभी पता चल गया। पता चल गया, पता चल गया किसकी उंगलियों के निशान किसके? विजय की उंगलियों के। विजय की उंगलियों के निशान? विजय की उंगलियों के निशान संभाल कर रखे थे? नहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और उसकी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल कर रहा हो अपने फायदे के? शायद इसलिए घर के कोने कोने में विजय की उंगलियों के निशान। हाँ सर, वरना इतना शातिर चोर सब जगह पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने की गलती क्यों करेगा? मतलब ये खून विजय ने नहीं किया, किसी और ने खून किया और विजय को पसंद? ये तो विजय खुद बता सकता है या फिर विजय के गैंग का कोई आदमी। संघ मुझे हमें लाश मिली थी उसके बारे में क्या पता है? बस मैंने वो लाश अच्छी तरह से चेक की है, मुझे उसकी उंगलियों में लकड़ी का बुरादा मिला सॉडस्ट और उसके हाथ और पैर पर काटने के निशान जैसे कि तेज धार वाली आरी से धीरे धीरे काटने से बने। बस मुझे लगता है ये आदमी कोई कारपेंटर रहा हो। कारपेंटर? सर कारपेंटर का चोरों से क्या लेना देना? हो सकता है इस कारपेंटर को विजय के प्लान के बारे में पता चल गया इसलिए मारा गया। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर पहले हमें इस कारपेंटर की पहचान ढूंढनी चाहिए। इस कारपेंटर के फोटोग्राफ छपवा दो पेपर से, कोई ना कोई तो पहचान पाई से। सर यही वो दुकान है जहाँ से फोन आया। फोन किसने किया था? सर पिंटू नाम के एक आदमी, वो उसी कारपेंटर के साथ काम करने वाला आदमी। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। पिंटू सर साहब, आप ही ने पेपर में ऐड दिया था सर, फोटो मेरे साहब की है, रवि साहब इस दुकान के मालिक हैं सर। जरा ये फोटो देखो, इस आदमी को देखा है यहाँ पे पहले कभी? ये तो विजय साहब, रवि साहब के दोस्त। और साहब क्या बात है, मेरे रवि साहब ठीक तो है ना? अभी तक दुकान पर भी नहीं आए। देखो तुम्हारे रवि साहब का खून हो गया। क्या? ये लाश हमें उनके घर पे। रवि साहब का खून हो गया? इन्हें कोई क्यों मारेगा साहब? हम भी वही पता लगा रहे हैं, ये या तो उनके किसी दुश्मन का या फिर दोस्त का काम हो सकता है जो उनकी जान के पीछे पड़ा। आपका मतलब विजय साहब, विजय साहब ने मारा रवि साहब को? हो सकता है। ये बताओ ये विजय कब आया था तुम्हारे? 3 दिन पहले आए थे साहब, पीछे वाले कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे दोनों। तुमने सुना क्या बात कर रहे थे? किसी बात को लेकर झगड़ा तो नहीं कर रहे थे? नहीं मेम साहब, मैं तो यहाँ बैठकर काम कर रहा था और अंदर क्या बातें हो रही थी मुझे नहीं पता मेम साहब, एक टेबल की डिलीवरी कर रही थी इसी का काम कर रहा था। ये विजय ये कब तक आया? वो तो कुछ देर में चले गए, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। रवि सर भी कुछ जल्दी में थे, टेबल फार्म हाउस पहुंचाना था ना और देर भी हो रही थी। फार्म हाउस की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा फार्म हाउस? एक मिनट साहब, अभी फार्म हाउस का पता लाके देता हूँ। माय गॉड, ये तो वही फार्म हाउस है जहाँ पे चोरी हुई थी। सर हो ना हो इस विजय का और इस फार्म हाउस का कोई ना कोई संबंध जरूर, अगर वो वहां पर चोरी करने ना भी गया हो तो। इसका जवाब तो उस फार्म हाउस पर जाके। कमरे को काफी दिनों से खोला नहीं गया, मुझे इसी कमरे में चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये जो कारपेंटर है रवि, इसका जरूर कोई ना कोई लेना देना है। जिस दिन उसने वो टेबल यहाँ पे डिलीवर किया था सर, उसके अगले दिन ही विजय यहाँ से पकड़ा गया। ये जिस टेबल की तुम बात कर रहे हो ये वही है। ये टेबल
से खोखला है। इस टेबल में ऐसी कोई चीज छुपा के रखी है कि जिसे निकालने के लिए विजय आया था। इसे तोड़ देते हैं। पैसे दिए गए सर। जैसे ही मैंने मूर्तियों को गैलरी से चुराया, मुझे पता चला कि वो लोग मुझे जान से मारने वाले थे सर। इसीलिए मैंने कैप्टन की मदद ली और इन मूर्तियों को टेबल के अंदर छुपा। हाँ सर, मैं इन मूर्तियों को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। मुझे लगा किसी को यहाँ शक ही नहीं पड़ेगा, फार्म हाउस की टेबल पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं इन मूर्तियों को यहाँ से ले जाऊंगा। जब तुम नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारे दोस्त रोमी का खून कर दिया। सर, सर, रोमी का खून हो गया? हाँ। तुम्हें मूर्तियों को चुराने के लिए किसने बोला? कहीं गिरीश वो ब्लैक को स्मगलर तो नहीं? हाँ सर, सर, सर वही सर, गिरीश। सर अब क्या होगा सर? तुम गिरीश को फोन करो और उसे बोलो कि ये सब मूर्तियां उसके हवाले करना चाहते हैं। हाँ विवेक, जरा ध्यान रखना इस विजय पे, चिपक कर रहना उसके साथ। यस सर। धक्का मारा वो गिरीश तो नहीं है? नहीं सर। अगर वो दिखाई दे या किसी भी शक हो तो पहले हमें बताना। देखा सर। लेकिन गया कहाँ? अभिजीत, जेल में बनाना है। बची हुई जिंदगी तुम लोगों को जेल में बिताना पड़ेगा, समझे?